दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। सरकार क्या देता है? सरकार देता नहीं है इसके लिए ना। नहीं, लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि गांवों में, गुजरात के हर गांव में शौचालय बढ़िया। क्या मोदी तो माता का तो बढ़िया का देता है? कुछ देता नहीं है? नहीं। तो आपको सिलेंडर वगैरह मिला था उज्ज्वला योजना के लिए, गैस का टंकी? मिला, कहीं नहीं मिला। नहीं मिला वो? नहीं, नहीं मिला। तो सरकार की तरफ से आपको मिला क्या यहाँ पर? कहीं भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। कितने साल से इस गांव में? ये तो जिंदगी निकल गई, इतनी 50 साल शौचालय देखा ही नहीं है घर में? नहीं नहीं नहीं, 45 साल हुए अभी नहीं शौचालय नहीं देखा। 50 साल से आज तक शौचालय नहीं देखा आपने अपने खेत में ही करते हैं? नहीं। हाँ, आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। इस वक्त हम खड़े हैं गुजरात के गांव लाल मांडवा में, कपड़वंज का एक गांव है यहां पर, और यहां पर कुछ लोग हैं, ये गांव है। 2022 में गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं, कुछ ही चंद एक साल बचा हुआ है। 7 साल मोदी सरकार को पूरे हो चुके हैं, बड़े बड़े दावे किए गए कि लोगों को गैस दिए गए हैं, सिलेंडर दिए गए हैं उज्ज्वला योजना के तहत। इसके अलावा ये वादा किया गया था कि हर गांव में, हर घर में, गरीबों के हर घर में शौचालय बनाया गया है, उनको पैसा दिया गया है कि आप शौचालय बनाइए। इस गांव में कुछ लोग हमारे साथ में खड़े हुए हैं, यहाँ पर महिलाएँ भी हैं, कुछ लोग भी हैं यहाँ के, पुरुष भी हैं। इनका ये कहना है कि आज भी इनकी घर की बहुओं को, इनकी जवान बेटियों को खेतों में जाना पड़ता है शौच करने के लिए। बात करेंगे हम, क्या नाम है आपका? जैतून। जैतून, हाँ। अच्छा, आपको क्या, आपके यहाँ शौचालय क्यों नहीं है, टॉयलेट बाथरूम क्यों नहीं है आपके यहाँ पर? जंगल में जाते। तो सरकार ने तो यहाँ पर जब कहा, सरकार क्या देता है? सरकार देता नहीं है इसके लिए ना। नहीं, लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि गांवों में, गुजरात के हर गांव में शौचालय बढ़िया। क्या मोदी तो माता का तो बढ़िया का देता है? कुछ देता नहीं है? नहीं। तो आपको सिलेंडर वगैरह मिला था उज्ज्वला योजना के लिए, गैस का टंकी? मिला, कहीं नहीं मिला। नहीं मिला वो? नहीं, नहीं मिला। तो सरकार की तरफ से आपको मिला क्या यहाँ पर? कहीं भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। तो अनाज वगैरह कुछ मिलता है? अनाज मिलता है, और कुछ गैस सिलेंडर नहीं और शौचालय नहीं? ऐसा नहीं, गैस भी नहीं मिला। हमको मिला, दूसरे को मिला, हमको नहीं मिला। 10 बजे आपकी उम्र कितनी है? तो 60 जैसे 60 साल उम्र है। फिर आपको भी खेत में जाना पड़ता है? हाँ, खेत में जाना पड़ता है। अपने शौचालय बच्चों को कहा था स्कूल में, कह हम सबको शौचालय बनाए देंगे, घर वालों को, बच्चों को कहा घर जाके तुम सबको बोलो हमारे शौचालय नहीं है। तो ये मोदी सरकार ने कहीं नहीं करा है, कोई के घर शौचालय नहीं है। ये पूरे गांव में? पूरे गांव में नहीं है, सबको खेतों में जाना पड़ता है। हाँ। कितने घर होंगे इस गांव में? लगभग घर है 700 और किसी में शौचालय नहीं है, 700 घर है। लेकिन मोदी जी और केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि हर घर में शौचालय, महिलाओं को, लड़कियों को बाहर न जाना पड़े खेतों में, इसलिए शौचालय हमने दिया गया। हाँ, तो कहीं नहीं दिया ऐसा? कहीं नहीं, खाली। अहमदाबाद से कितना दूर है ये गाँव? लगभग 60-70 किलोमीटर। लेकिन यहाँ पर कुछ विकास के नाम पे कुछ है नहीं। अच्छा, आप भी किसान हैं? हाँ, मैं भी यहाँ खेडूत हूँ। तो आपके जो भाव वगैरह जो मिलते हैं, जो दाम मिलना चाहिए एमएसपी वगैरह, उसका क्या? वो तो उनका सरकारी भाव जो चलाते हैं वो है। क्या मिलता आपको, सही मिलता है? कम भी मिलता है। वो जो भाव पा रहे वो मिलता है, सरकार जो भाव निकलती है? नहीं निकलती। नहीं, आपने जो लगाया आपके लागू तो नहीं? नहीं 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 निकलती, नहीं निकलती है। क्या नाम है आपका? खैरुन बीबी। कहाँ रहती है आप, इसी गाँव की? आप भी आपके वहाँ पर है टॉयलेट बाथरूम शौचालय है या नहीं है? नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपके यहाँ पर भी नहीं है? ना, नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो सरकार की तरफ से कुछ जो कहा गया वादे के बाथरूम हर जगह होगा, हर घर में होगा, नहीं हुआ? पैसे वालों ने बनाया ना, पैसे वाले बैठ गए। सरकार नहीं मिला, नहीं मिला। तो आपको यहाँ पर कुछ दवा खाना या मेडिकल वगैरह का कुछ सरकारी कुछ नहीं होता? कुछ नहीं है। दवा खाना तो अभी बनाया है, चालू नहीं हुआ। अच्छा, वो दवा खाना सामने बनाया है? अभी बना। वो अपने कैमरामैन को हम कहेंगे कि वो जरा बताए सामने पीली जो बिल्डिंग, जो वो जो पीली बिल्डिंग दिख रही है, वो सामने पीली, वो पीली बिल्डिंग जो दिख रही है वो है? अच्छा अच्छा, अभी बना है नया। अच्छा, कब से बना है ये? ये 3 लगभग 1.5 साल हो गया, अभी चालू नहीं हुआ। 1 साल से बना हुआ है ये? हाँ, काम चलता था लेकिन अभी तक चालू ही नहीं किया किसी का। अभी पूरा हुआ तो कोई आता कोई है नहीं, नहीं, अभी। नहीं, नहीं। तो अभी आपको जो कुछ होता है घर में, कोई बीमार या कुछ, तो आपको सरकारी कुछ नहीं, पैसा देकर बाहर जाना पड़ता है? बाहर कपड़वन जाना पड़े, कपड़वन जाना पड़ता है, तो बाहर जाना पड़े। अच्छा, आपके घर में जो आपकी बेटी है या बहु है या सब है, वो सब शौचालय के लिए क्या करती है, क्या करना पड़ता है? जंगल में खाते, खेत में जाते, जंगल में जाते, जंगल में जाते हैं सब। उसके अलावा कुछ घर के कुछ नहीं है शौचालय वगैरह?
साथ में जाने पड़ते साथ में जाने पड़े और रात में अगर लेट आपको रात में आ तो बैठी लेके जाने पड़े क्या करे रात में सारे जाने पड़े छोकरी को अपने बड़ी छोकरी तो काम भेजे तो रात में आपको उनके रात में जा रात को एक तो शौचालय को तो जाने पर देख लो तो आपका क्या नाम है मोहम्मद मोहम्मद आप भी इसी गांव में रहते हो इसी गांव में यहाँ कितने टाइम से नहीं है शौचालय है ही नहीं शौचालय है सब खेत में सब जंगल में जाते हैं लेकिन जब प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी वो बड़े बड़े दावे करते थे कि पानी भी आता है बिजली भी आती है शौचालय भी है अभी विकास शौचालय सब दावे करते हैं पर मिलता है नहीं मिलता तो है ही नहीं जो गैस के सिलेंडर जो दिए गए तो उज्ज्वला योजना के लिए वो मिले थे वो आधे को मिले ना आधे को कुछ नहीं मिले तो आपको मिला नहीं मिला नहीं मिला नहीं मिला अच्छा जिनको मिला उनमें से कोई है यहाँ पर जिनको मिला हो सब गैस बिना के ही है अच्छा जिनको मिला है वो लोगों ने क्या किया गैस का सिलेंडर दोबारा जब खरीदना होता है तो कितने का पड़ता है उनको लेते या नहीं लेते वो खाली बोतल भर के दिया अच्छा उसके बाद पैसा तो आप वापस आने सब चूल्हे पर आ गए गैस यूज करते हैं चूल्हे पर आ गए वापस सब है ना 800 रुपए का सिलेंडर नहीं खरीद सकते इसलिए अच्छा आपके घर में आप कितने साल से इस गांव में ये तो ये जिंदगी निकल गई इतनी 50 साल शौचालय देखा ही नहीं है घर में नहीं 45 साल हुए अभी नहीं शौचालय नहीं देखा 50 साल तक शौचालय नहीं खेत में ही करते नहीं हाँ खेत में आपने यहाँ के जो आगेवान होते हैं जो आपके सरपंच वगैरह जो होते हैं उनको किसी को आपने कुछ बोला नहीं है कुछ नहीं बोला कुछ किया भी नहीं कुछ नहीं करते कुछ नहीं सरपंच क्या सब सरपंच ने सब उनका कर लेते कहीं करा नहीं कि आपको ऐसा लगता है कि ऊपर से पैसा आता है ये लोग खा जाते हैं ऊपर से आया नहीं या क्या ऐसा कुछ हाँ ऐसा है ऐसा लगता है आपको 12,000 मंजूर करते है सरकार बराबर है इसे आधे पैसे मिलते तो तैयार करके देते उनके 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 कॉन्टैक्ट से तैयार करके तैयार कैसे करते खोखा बनवाते है 3 फुट का खाड़ा बस 3 फुट का खाड़ा चले 3 फुट का खाड़ा बना के देते हाँ बस लेकिन वो भी आप लोगों को नहीं मिला 3 थैली से बैठ बस आगे वालों जो कॉन्ट्रैक्टर चाल पैसा आलो 3 फुट का खड्डा चले आपस हमें सिर्फ थोड़ी सी दीवार बना देते 3 फुट का खड्डा बना देते बस रूम बना देते इसका और टब लगा देते और 3 फुट का खड़ा बस एक दरवाजा उसमें प्लास्टर वगैरह कुछ वो प्लास्टर करते है पर कैसे लेकिन फिर भी आपके यहाँ पर नहीं आने जहाँ पर दिया वहाँ पर ऐसा दिया ऐसे बने वो भी आने घर जाता होगा 3 फुट हाँ 3 फुट के खड़े इतना खड्डा हो अच्छा बता घर आपके घर में कौन कौन है महिला बच्चे आपकी लड़की है बहू है एक बच्ची एक बहू है बस 3 तो है ना जाना पड़ता है सबको ये छोटे बच्चे हो तो भी खेत में अच्छा रात के समय में भी जाना पड़े आपकी क्या मांग है आप क्या मांग चाहते आप क्या कहना हम तो सरकार से अच्छा लाभ मिले ऐसा चाहते बाथरूम सब हाँ 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 सड़कें भी नहीं है इस गांव में ये देखो ना ये सड़के सड़क अच्छा तो बारिश में क्या रहता है यहाँ पर बारिश में तो पानी भरा जाता है पानी भरा जाता है भराते है हाँ भराते है आपकी क्या मांगे सरकार से क्या कहना चाहोगे सरकार जी लाभ वाले ले रही है तो पहले तो आपको शौचालय क्या है शौचालय नहीं लाभ दे पूरा लाभ दे बराबर है बाथरूम नहीं हमारे जंगल में जाने पड़ता है ऐसे चौमासे में जाने का चौमासे में जंगल में जाने पड़ता है आपके घर की सब महिला को बच्चों 3 दिन वाले लिख गए पर है को और देखो सरकार जो लाभ दे वो जिसके लाभ हो ना उसके खाते में दे बराबर सीधा सीधा खाते में कॉन्ट्रैक्टी नहीं सीधे जो लाभार्थी है इसके खाते में दे अच्छा बीच में कहा गया था कि सबके अकाउंट में 500 रुपया आएगा किसानों के अकाउंट में 6,000 रुपया आएगा किसी के अकाउंट में आया किसी के अकाउंट में नहीं दिया था वो साल को आया थे 500 रुपये औरतों के जनधन खाते में जनधन खाते में 500 आया था और जिसको आए इसको आए जो ना आए वो रहे अच्छा और जिसका किसानों को जो कहा गया था 6,000 रुपये देंगे नहीं वो जमीन के देते हैं ना बबे बबे वो नहीं 2,000 रुपए देते हैं जमीन कितनी बार आए 2,000 रुपए कितनी बार सब दफा छे आप जमीन नहीं मतलब बार में अंतिम वक्त कब आया था एक साल में 3 बार आए हैं आपको 2,000 आया ना 2,000 रुपए आया ना पिछले साल है इस बार नहीं आया इस बार नहीं आया आप बताया अच्छा इस साल नहीं आया पिछले साल आए थे ना अच्छा ये तो ये किसान ही है तो आप जो खेती क्या बोई क्या उगाते हैं कोई किसान बताना है अभी तो हिंदी में बोलिए हिंदी में
भिन्न भिन्न है गुजराती जावड़ा। हाँ क्या बोल रहे हैं आप? खेत मजदूर है। हाँ मजदूर कहीं खाने का मजदूर है। अच्छा खेती हमारी नहीं, मजदूरी करते किसान नहीं, किसान नहीं, किसान नहीं। अच्छा किसान के अंदर के मजदूर है। जमीन इसमें चार भाई हुए तो चार भाई में क्या क्या है क्या बोने का? एक बीघा जमीन में दो हो तो चार भाई हो तो चार भाई में क्या आवे? यानी एक जमीन है उसमें चार भाइयों का हिस्सा है, सरकार की तरफ से 2000 रुपया आया तो चार भाइयों का 500-500 रुपया उसमें है ना, इसके अलावा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा चलो बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये देखा हमने, ये गुजरात के गांवों की हकीकत है। ये गुजरात मॉडल वो है जिसको बेचा गया था, दीवार के पीछे कुछ चीज़ें छुपा दी गई जबकि ये चीज़ें जो है वो नज़र नहीं आई। आज भी इस गांव के अंदर हमने देखा उज्ज्वला योजना, जो कहा बड़े बड़े वादे मोदी जी ने किए थे देश की जनता से, देश के गरीबों से, देश के किसानों से, लेकिन हकीकत क्या है वो हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। गाँव के लोगों ने खुद जो है वो अपनी तमाम जो पीड़ाएँ थी, अपने दुख थे वो बताए हैं। अब फैसला आपको करना है कि आपको कौन से अच्छे दिन पसंद है, कि आपको अब भी अच्छे दिन चाहिए या आप चाहते हैं कि आपके अपने पुराने दिन वापस से लौट आएं। कैमरामैन बकुल परमार के साथ सहल कुरेशी, देश लाइव। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज़।